सब स्थानों में प्रतिष्ठित भगवान बुद्ध के शारीरिक धातु कैसे अस्तित्व के लोमादि बोधि वृक्ष और बुद्ध प्रतिमा इन सभी चैत्यों की मैं सदा वंदना करता हूँ। मैं सभी फल प्राप्त बुद्धों प्रत्येक बुद्धों तथा अहतों के प्रताप से सब प्रकार से आरक्षा बांध रहा हूँ। यह जो हम लोगों द्वारा सब संपत्तियों को प्राप्त करने वाला पुण्यजन किया गया है, सब देवता उसको अनुमोदन करें। यह पुण्य कर्म हमारे ज्ञाति के लिए, हमारी ज्ञाति के लोग सुखी हूँ। सभी दुख प्राप्त प्राणी दुख रहित, भय प्राप्त भय रहित और शोक सत शोक रहित हों। यह पुण्य कर्म हमारी ज्ञाति के लिए, हमारी ज्ञाति की लोग सुखी हों। सभी दुख प्राप्त प्राणी दुख रहित, भय प्राप्त भय रहित और शोक संतप्त शोक रहित हों। यह पुण्य कर्म हमारे ज्ञाति के लिए हो, हमारी ज्ञाति के लोग सुखी हों। सभी दुख प्राप्त प्राणी दुख रहित, भय प्राप्त भय रहित और शोक संतप्त शोक रहित हों। क्या पूजा है आगे? चैप्टर क्या है? देखो क्या लिखा है ऊपर, क्या लिखा है? हाँ बोलो। पुष्प लाए हो ना आप यहाँ, इसीलिए तो ये पुष्प लाए। क्यों लाए पुष्प? ये सुनिए आप लोग। हाँ, मैं वर्ण गंध और सुंदर गुण से संपन्न इस पुष्प से भगवान बुद्ध की कमल वत पावन चरणों में पूजा करता हूँ। इस पुण्य से मेरी मुक्ति हो। आवाज कम है आप, थोड़ा जोर बढ़ाओ बोलियो। मुक्ति हो जैसे ये पुष्प घर ही है आपका, तो ये तो ऐसे ही शरीर विनष्ट हो जाता है। मैं सुगंधित युक्त शरीर एवं मुख वाले अनंत गुण सुगंधित से तथागत बुद्ध की सुगंधित की सुगंध से पूजा करता हूँ। अंधकार को नष्ट करने वाले तेल से जलते हुए दीपक से मैं तीनों लोग दीपक लाए ना आप लोग, देखिए तीनों लोगों को प्रदीप तुल्य अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले भगवान बुद्ध की पूजा करता हूँ। भंते जी अनुकंपा करके हमारे द्वारा प्रस्तुत उत्तम भोजन को ग्रहण करें। अभी आपने भोजन दिया उसका मतलब वही था, ठीक है। भंते जी हमारे द्वारा दिए जा रहे उत्तम जल को अनुकंपा करके ग्रहण करें। मैं इस पोच वाले रसदार ग्लान प्रत्यय को महर्षि सम्यक संबुद्ध को चढ़ाता हूँ। और है देखो आगे क्या है, प्रार्थना, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए जी। पर्पज इसका यही था।